शिवपुरी जिले के रनौत से कोलारस लौट रही टवेरा कार दो नदी के बीच बने टापू पर फंस गई। टवेरा वाहन में सवार 5 लोग थे। जानकारी के अनुसार टवेरा वाहन रनौत से कोलारस की ओर आ रही थी। इस बीच ग्राम देहरदा गणेश और ग्राम भड़ोता के बीच बहने वाली गुंजारी और सिंध नदी के बीच बने टापू पर फंस गई। बता दें, इन दोनों नदियों पर बने रपटे से होकर वाहनों को गुजरना होता है, परंतु टवेरा वाहन गुंजारी नदी के रपटे को पार ही कर पाई थी कि दोनों नदियों में एकाएक उफान आ गया। टवेरा वाहन दोनों नदियों के बीच बने टापू पर फंस गए। प्रशासन रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच गया था, तभी दो नदियों के बीच टापू से वाहन सवारों को ट्यूब की मदद से ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दो नदियों में आए एकाएक उफान के चलते बीच में बने टापू पर फंस गई कार। कार में सवार 5 यात्री जिन्हें गुंजारी नदी के छोर से ग्रामीणों द्वारा ट्यूब की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहाँ पे अचानक ऊपर अधिक बारिश होने के कारण नदी में पानी बढ़ गया है। अभी जानकारी मिली थी कि एक टवेरा रनौत के साइड से थी और यहाँ कोलारस आने वाले थे, जो दोनों नदी के छोरों के बीच में जो जगह ऐसी है, किला है, उस पर रुक गई है। अभी उनसे बात की थी व्यक्तियों से, तो वो इससे क्रॉस हो गए सभी सुरक्षा। वो कैसे निकाला गया? वो वहाँ के गाँव वालों की मदद से और वहाँ उस साइड जो भी लोग हैं उन्होंने अपनी मदद से। कितने लोग थे सर? 4 लोगों की जानकारी लोग, और अभी बात भी हुई है, सभी सुरक्षित। सर ऐसे कि अब ये बारिश है, हर बार ऐसा देखा जाता है कि सिंध पर कई बार कोई फंसते रहते हैं लोग, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन पहले कोई व्यवस्था क्यों नहीं करता, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, पहले व्यवस्था कल तक ये स्थिति थी, इस पर नजर रखी गई थी पूरी तरह से। अचानक सुबह के टाइम से ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन फोर्स यहाँ पहले से था, पहले से हमने वो भी लगा रखे लोगों को, और यहाँ ट्यूब रस्सी ऐसी चीज़ें पहले से व्यवस्था कर रखी है ताकि अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो हम उनको किसी को ये कैजुअलिटी ना।